हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अनदर इंट्राडे स्टॉक वीडियो। आज इस वीडियो में बात करेंगे कल के लिए कुछ बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक जिस पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर एक आप प्रॉपर एंटी टारगेट स्टॉप लॉस के साथ करते हैं तो आपका एक अच्छा खासा ट्रेड हो सकता है और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, आज जो स्टॉक दिए थे उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा आपको वीडियो के लास्ट में देखने के लिए मिल जाएगा, तो वीडियो पे पूरा बने रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़े, आपको वहाँ लाइव मार्केट अपडेट मिलता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो अब अभी आप जाके जुड़ सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कल के लिए हमारा फर्स्ट स्टॉक। कल के लिए हमारा फर्स्ट स्टॉक हो जाएगा गोदरेज कंज्यूमर की तरफ से। इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो एक बुलिश फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अगर यहाँ से आगे लेवल को ब्रेकआउट करता है तो इसमें हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे। 930 से ऊपर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 933, सेकेंड टारगेट हम रखेंगे 938 का और इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 926 का। अगर यहाँ से आगे ब्रेकआउट करता है तो इसमें हम बाइंग पोजीशन के लिए जाएंगे। अगर एक ब्रेकआउट नहीं दिखा के अगर जो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है अगर इससे नीचे ब्रेकडाउन करता है तो इसमें हम शॉर्ट सेल पोजीशन के लिए भी जा सकते हैं। इसमें हमारा शॉर्ट सेल पोजीशन होगा 920 से नीचे हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 917, सेकेंड टारगेट हम रखेंगे 914 का और इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 924 का। तो कल के लिए हमारा ये फर्स्ट इंट्राडे स्टॉक हो जाएगा, तो कल आप इसे ज़रूर ट्रैक करें। तो कल के लिए हमारा सेकेंड इंट्राडे स्टॉक हो जाएगा टाटा मोटर की तरफ से। इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो एक फॉलिंग वेज काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है जिसको मल्टीपल टाइम या रेजिस्टेंस की तरफ फेस किया, अगर यहाँ से आगे ब्रेकआउट करता है तो इसमें हम बाइंग पोजिशन के लिए जाएंगे। इसमें हम बाइंग पोजिशन बनाएंगे 415 से ऊपर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 417, सेकेंड टारगेट हम रखेंगे 420 का और इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 411 का। तो अगर ये ब्रेकआउट करता है तो इसमें हम बाइंग पोजिशन के लिए जाएंगे। अगर यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन करता है तो इसमें हम शॉर्ट सेल पोजिशन बना के चल सकते हैं 407 से नीचे। तो कल के लिए हमारा ये सेकेंड इंट्राडे स्टॉक हो जाएगा, तो कल आप इसे जरूर ट्रैक करें। तो कल के लिए हमारा थर्ड इंट्राडे स्टॉक हो जाएगा डावर की तरफ से। इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो तो एक रेजिस्टेंस लेवल पे ये मल्टीपल टाइम यहाँ रिटेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ से आगे ब्रेकआउट दिखाता है तो इसमें हम बाइंग पोजीशन के लिए जाएंगे। इसमें हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे 554 पर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 556, सेकेंड टारगेट हम रखेंगे 560 का और इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 550 का। तो कल के लिए हमारा थर्ड इंट्राडे स्टॉक हो जाएगा, तो कल आप इसे ज़रूर ट्रैक करें। तो ट्रेडर्स, अब हम बात कर लेते हैं आज जो स्टॉक दिए थे उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो आज का हमारा फर्स्ट स्टॉक था भारत एयरटेल की तरफ से, जिसमें हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, जिसमें स्टॉक ने ये दोनों टारगेट था जबकि स्टॉक ने हाई बनाया 768 का, तो इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट नहीं अचीव हुआ तो ये स्टॉक हमारा फेल हो गया। तो आज का हमारा सेकेंड स्टॉक था एक्सिस बैंक की तरफ से, जिसमें हमें ये स्टॉक जो है हमारा बाइंग पोजिशन से ऊपर ओपन हुआ तो ये स्टॉक में ट्रेड नहीं बना, तो ये स्टॉक भी हमारा अवॉइड हो गया। तो आज का हमारा थर्ड स्टॉक था विप्रो की तरफ से, जिसमें हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, जिसमें हमें बाइंग पोजीशन ट्रिगर हुआ जबकि ये दोनों टारगेट था, जबकि ये स्टॉक ने हाई बनाया ये लगभग 401 का, तो इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट बहुत आसानी से अचीव हो गया, तो ये स्टॉक हमारा प्रॉफिटेबल रहा। तो ट्रेडर्स, ऐसे ही प्रॉफिटेबल इंट्राडे स्टॉक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।